गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी खुद को कश्मीरी पंडित कहते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करते। राहुल गांधी कश्मीर में सियासत कर रहे हैं। विधानसभा को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेसी विधायक कपड़े फाड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सदन में बाढ़ को लेकर चर्चा नहीं होने दी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है, जहां हल्ला करना चाहिए वहां संवाद यात्रा निकालती है, और जहां संवाद करना चाहिए वहां हल्ला करती है। कमलनाथ 30 महीने बाद बोलते हैं, सदन का अनुभव नहीं है। मैं सोनिया गांधी से कहना चाहूंगा, अनुभवियों को मौका दें। जनता के बीच में जयवर्धन सिंह के जाने पर उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कांग्रेस उनके पास नहीं आती है, राजनीतिक परिवार से हैं तो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी। कांग्रेस का विधायक कुर्ता फाड़ रहा है, फिर भी बाढ़ का मुद्दा कांग्रेस ने नहीं उठाया। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं उन्हें अनुभव नहीं है। जब उन्हें अनुभव नहीं है तो चर्चा किससे करें? तो जहां जाते हैं वहां वैसी बात कर लेते हैं। अगर कश्मीरी पंडित हैं तो वहां के कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद की क्या कल जाके, जो वहां से पलायन कर गए इनकी सरकार जब दिल्ली में, बोले एक शब्द नहीं बोले। कल एक सरपंच की और पंच की हत्या कर दी, कल वहां गए वो नहीं गए। ये तो आतंकवाद ही जो सेना के हाथों काल कलवलित हुए हैं उनको जिंदा करने गए, रूहों को, और कुछ करने गए। ये सिर्फ सियासत का एक खेल है जो वो खेलने के लिए गए, सियासत के लिए गए हैं और कुछ। कांग्रेस के संग दिक्कत क्या है कि जहां पर हल्ला मचाना चाहिए वहां तो वो संवाद यात्रा निकालते हैं, और जहां पर कांग्रेस को संवाद करना चाहिए वहां पर हल्ला करती है। बड़ी विचित्र स्थितियों में कांग्रेस गुजर रही है। ऐसी स्थिति है कि उनका नेता प्रतिपक्ष 30 महीने बाद कहता है कि मुझे सदन का अनुभव ही नहीं है। मैं तो मीडिया के माध्यम से आदरणीय सोनिया गांधी जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके माध्यम से बात पहुंच जाए तो, कि जिस व्यक्ति को 30 महीने में सदन का अनुभव नहीं हुआ हो और नया विधायक भाषण देने लगा हो, उसके बारे में एक बार पुनर्विचार करके तो देखो। जयवर्धन सिंह जी जानते हैं अच्छी तरह से जनता उनके पास नहीं आती है। कांग्रेस के किसी आंदोलन में आपने जनता की भागीदारी देखी ही नहीं। इस बात से वो भली बात अच्छी तरह से अवगत है, राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसलिए वो जाए चाहे कोई जाए, जनता कांग्रेस की असलियत समझ चुकी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता बालाघाट में नक्सलियों से मुठभेड़ में मिली है। 8 लाख के इनामी नक्सली संदीप कुंजाम को गिरफ्तार किया गया है। अब बारिश सिर्फ रीवा संभाग में हुई, बाकी जगह राहत रही है। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना के क्षेत्र में 10 मामले आए हैं। भोपाल में कल कोई केस नहीं रहा, 22 ठीक हुए, 150 एक्टिव केस बचे हैं। रिकवरी रेट 98.6% है, जबकि 70,000 सैंपल लिए गए हैं। तो सब सामयिक विषयों पर भेंट हुई है, कोई विशेष नहीं थी। कल सुबह हमारे बालाघाट में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, और उसमें नक्सली संदीप कुंजाम आयु 25 वर्ष की को पकड़ा गया है, जिस पर 3 लाख का इनाम मध्य प्रदेश में और 5 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ में, तथा कुल 8 लाख का इनामी व्यक्ति हमारी पुलिस ने बालाघाट में पकड़ा है। प्रकरण पूरे प्रदेश में कल आए, जीरो वैसे अनेकानेक रूप में देखा जाता है, पर कल भोपाल में कोरोना का कोई भी केस नहीं रहा तो उस जीरो से प्रसन्नता आई। 10 नए पूरे प्रदेश में केस हैं, 22 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर गए हैं, 150 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।